ज्वालानी मीरू भी आ गया, ज्वालानी भी आ गई। ज्वालानी कहा कर ली हो बाबा, किसी तो दो एक। नहीं 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 नहीं, हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आ जाओ। यहाँ से जो है ना स्लाइस जूस ले रहे हैं मीर, फादिया, तुम और दुआ। ठीक है, यहाँ से जूस और चीजें लेके लेने के लिए हम। फादिया तो नहीं है। फैमिली कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हमारा न्यू व्लॉग जो स्टार्ट हो गया है वो है भावलपुर स्टेशन से, क्योंकि हम लोग कराची जा रहे हैं। और ये कुछ भावलपुर स्टेशन है, माशाल्लाह से नवाबों का शहर है, तो यहाँ का स्टेशन भी वैसे नवाबों की तरह है। और जो है ना बस अभी यहाँ आ गए हम लोग। हमारा फरीद अभी आने वाली है, इसके बाद ही आएगी। अभी एक घंटा है, एक घंटे तक आएगी। ये शालीमार आई है, पता नहीं कौन सी आई है, जो भी आई है बहरहाल अच्छी है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग खड़े हुए विज़िट कर रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। एक घंटे के बाद फरीद आती है, बिजनेस क्लास डब्बा है हमारा 2 नंबर, तो उस पर चलते हैं फिर। हाँ जी, आप तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे ना ट्रेन पे, है ना? क्या हुआ, समझ नहीं आ रही? चक्कर आ रहे हैं? तो उड़ा के ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तुम कैसे नहीं जाती? तो मैं घसीट के ले जाऊंगा। मैं कैसे नहीं जाती, क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? वो अंदर बैठ के चक्कर नहीं आते। तुम ना वो मेरी बात सुनो, नींद की गोली खा के सो जाना, तो मैं सुबह में उठा दूंगा। सनिया उठ जाओ, हम पहुंच गए। ठीक है, सही है, आए मजे। अच्छा आ जा इधर, तो आओ। रोना नहीं, रोना नहीं बच्चे, रोना नहीं। इधर आ जाओ बच्चे, रोना नहीं, रोना नहीं है बच्चे। अब हम लोग जो है ना शालीमार अभी यहाँ से गुजरी है और 4 बज गए हैं। हमारी जो ट्रेन है वो लोधरा पहुँच गई है और आने वाली है। ये है भावलपुर स्टेशन, ये देखें, ये नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी आए। यहाँ से पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है, हम लोग अपना वेट कर रहे हैं। ये पार्टी यहाँ पर व्लॉग एडिट कर रही है और मैं यहाँ अकेला खड़ा हुआ जो है ना वेट कर रहा हूँ कि आ जा हम चलें फिर, आ जा तुझको पुकारे मेरी टिकट। ठीक हो गया? तो इस टाइम हम लोग समासटा पहुंच गए हैं और यहाँ पे 4:45 हो रहे हैं। और ये यहाँ पे आधा घंटा पूरा रुकेगी, पानी शानी भरेंगे उसके बाद, क्योंकि भावलपुर ये 5 मिनट रुकती है। इस वजह से थोड़ा सा सफ़र करके कैसा लगा आपको, मज़ा आ रहा है? तुम तो फर्स्ट टाइम कर रही हो ना, फर्स्ट टाइम ये ट्रैवल कर रही है। और देखो हमारा डब्बा नंबर भी 2। ठीक है, डब्बा नंबर भी 2 और बंदे भी हम 2। और ये है समासटा जंक्शन। ये रास्ते में जो है ना हमने लिए अभी मुबारकपुर से चाय, और ये चाय एंजॉय कर रही है। क्या हुआ, 10 हो गया? नहीं हो, चलो ठीक है, गुड हो गया। अलहमदुल्ला से इस टाइम हम लोग जो है ना डेरा नवाब अहमदपुर पहुंच गए हैं। सफ़र अलहमदुल्ला से अच्छा गुजर रहा है। अब आगे का देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये यहाँ पे 5 मिनट स्टे करेगी, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर आगे का सफ़र देखते हैं कि कहाँ तक हमारा सफ़र कैसा गुजरता है। हमारे साथ 2 लेडीज़ हैं, उसकी वजह से हम परेशान हैं, बाकी सफ़र अच्छा गुजर रहा है। इस टाइम हम डेरा नवाब के स्टेशन पर रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ आगे जो है ना माल गाड़ी के 2 डब्बे गिर गए हैं, जिसकी वजह से 2 घंटे हमें स्टे करना पड़ेगा। वरना इस टाइम को हम लोग खानपुर होते हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेन खड़ी हुई है जिसकी वजह से जो है ना सारा मामला था, इसके 2 डब्बे गिर गए हैं। ये माल गाड़ी आ रही थी तो वो 2 डब्बे ऐसे गिरे हैं कि एक इस पटड़ी पे चला गया, एक इस वाली पटड़ी पे चला गया, इसकी वजह से ये गाड़ी रुक गई है। अब वो 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे, क्रेन आए, हाँ क्रेन आएगी, उसको उठाएगी, उसको उठा के उधर फेंकेगी, फिर जाके हमारा रास्ता खुलेगा। तो दुआ करें हमारा रास्ता खुल जाए और हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवान दवा हों। आप ठीक नज़र आ रहे हैं? ठीक है, ठीक हो गया। वैसे जो है ना 10:15 बजे, ये 5 बजे की रुकी हुई, 10:15 बजे ये ट्रेन चली है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना अब देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसे गुजरता है, क्योंकि आगे जो है ना हमारे माल गाड़ी थी, तो माल गाड़ी के 3-4 डब्बे गिर गए हैं। तो ये भी कोई बेहतरी होगी, अगर ये मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेन जाती, ये गिरती, तो फिर इसका क्या होता। तो अल्लाह ने ये बड़ी मुसीबत से बचाया है। और सफ़र में कोई भी मुसाफिर निकलता है तो उसके लिए दुआ कीजिएगा और करते रहा करें कि अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो अभी जा रहे हैं, जो है ना सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग हैदराबाद पहुँचे हैं। हालांकि इसको 8 बजे जो है ना कराची पहुंचना था, 6 घंटे लेट हुई पटड़ी की वजह से। तो अभी हम सुबह के अभी
10:30 से यहाँ उठे हैं, चाय वगैरह पी के नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद जाना फिर आगे 2.5-3 घंटे का सफ़र है वो भी करना है, तकरीबन 1:15 बज जाएगा, तो 5-6 घंटे जो हमें दलील हुए ना बस चले, ये भी इसमें शायद कोई भलाई होगी। ये जो है ना कुछ हमारी ट्रेन की हालत बनी हुई है लोअर एसी, और ये कचरा और ये चीज़ चेक करें, बस वेट कर रहे हैं अभी हम लोग, हमारा सफ़र है और हम भाग के जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह से इस टाइम हम लोग जो है ना कराची स्टेशन पे पहुंच गए, और ये हमारा सामान कुली भाई लेके जा रहा है, चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि बहुत थक गए हैं। और ये देखें 2:45 बजे हम लोग पहुंचे हैं, बहुत लेट हो गए हैं यार, बहुत ज़्यादा। अब घर चलते हैं, घर चल के फिर बच्चों को मिलते हैं, बाकी की गप्पें फिर बाद में लगाएंगे, हमारा बैग भी फट गया। ऊपर से कुछ ये हालात हैं, ये देखें मुसाफिर वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनें लेट हैं, इस वजह से जो है ना मुसाफिरों को वेट करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम लोग रक्षे में बैठ गए हैं और कैंटी स्टेशन से जा रहे हैं इधरी की तरफ, वहाँ घर चलते हैं, बहुत थके हुए भी हैं और बिल्कुल तबीयत जो है ना 24 घंटे हो गए ट्रेन में बैठे हुए, तबीयत फुल जो है ना बन गई है। शाम को जो है ना दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह भी कटवाते हैं, कुछ अपने रूटीन में भी आते हैं, आप भी मजा आ रहा है। तो हमारा जो है ना 5-10 मिनट का सफ़र है, ज़्यादा नहीं है, रूटीन पर रूटीन आपको दिखाते चलेंगे इंशाल्लाह। घर पहुँचते हैं तो आज कॉल करते हैं, शावर वगैरह ले कर फिर आपसे गप्पे शप्पे लगाएंगे कि भाई जो है ना ये इसको फिर घुमाने ले चलते हैं बाहर, कराची घुमाते हैं। आज कहीं नहीं जाना, चलो आज ये कहीं नहीं जाती, कल जाएगी। हमारा रक्षा बंद हो गया भाई साहब, ओ भाई साहब। अभी जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुंच गया हूँ। मेरे को कहा रहे हो आते ही इसकी तबीयत बहुत खराब थी तो इसको उल्टी आ गई है, फिर इसको शावर दिलवाया है, और उसके साथ जो है ना मैं आपको जो है ना दुआ लानो भी दिखाता हूँ। दुआ लानी मीरू भी आ गया, दुआ लानी भी आ गई, दुआ लानी कहा कर ली वो बाबा किसी तो दो एक बाबा किसी दो मजा आ गया, लानो अभी देखी लानो किसी दो अच्छी वाली अच्छी वाली तो भाई ये देखो तो जो भाई साहब अभी हम लोग बाहर जाएंगे चीज लेने, है ना, जूस पिए कि लानो, अभी जूस पीने जाते हैं फिर जो है ना फिर वापस आते हैं। पानी है वो, अच्छा अच्छा चलो चलो फिर चलो चलो ठीक है। नहीं 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 हाँ इधर आ जाओ इधर बैठ जाओ आ जाओ। हाँ और लानो लानो भी क्या बातें कर रही है, लानो क्या बातें कर रही है, लानो क्या बोल रही है। चलो यहाँ से जाना स्लाइस जूस ले रहे हैं मीर फादिया तुम और दुआ, ठीक है यहाँ से जूस और चीज़ें लेने के लिए। हम फादिया तो नहीं आई मेरे साथ लेकिन दुआ रानी आ गई है भाग के कि पापा के साथ जाना है ना, भाग जा जाना था। हाँ मीर भी नहीं, मीर को नहीं लेके आए क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और बाहर की कुछ ये रूटीन है देख ले, ठीक है। हमजा हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, हाँ अच्छा अच्छा वो खड़ी हुआ कपड़ा चढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक, हाँ वो ब्लैक वाला कपड़ा देख लिया मैंने। वाह 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 भाई वाह, लानो ये क्या खा ली, हाँ क्या खा ली हो, अच्छा ये लो चिप्स खा लो। मेरू आप क्या कर रहे हो, चिप्स खा रहे हो, वाह 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 भाई बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी। ये कहाँ से लाई हो चश्मा, चश्मा कहाँ से, बाहर से लाई हो, अच्छा कितने का लाई हो, भैया लाए, भैया तुम लाए हो, कितने का लाए हो, 1 लाख का, क्या तुम्हारा दिमाग सही है, 1 लाख का कौन लेता है, मैं लेता। इतना पैसे कहाँ से है, हाँ वो तो मैं दे पैसे, अच्छा ये सराय की तो सुनाओ, डू ते डू, डू ते डू चाल, हेक ते हेक डू, तेरा नाम क्या है, अमजा है, तू क्या करना होती, मैं हाँ गाल का नाम थी, सराय की कितु सीखी, कुछ सीखा, कितु से कहीं, कुछ सीखा, अच्छा भाई कोई गाल सुना, भाई हाँ को मीर क्या करना पे, पापड़ खाना पे, अच्छा तू क्या स्कूल में, नहीं केरी क्लास पढ़ता पे,
डू एच पर अभी अच्छा अभी आपको नवी ताजी कुछ कही गाइस। तो इस टाइम हम लोग जो है ना कैफे क्लेफ्टन पे आए हुए हैं। बच्चों को मैंने छोड़ा है घर, बाबर की गाड़ी शायद चेक करनी थी, वो एसी नहीं चल रहा, वो शायद चेक की है। उसके बाद जो है ना अब मैं और सनिया निकले हैं, बच्चों को मैंने घर छोड़ दिया। इसको ना मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनवा लूँ, सीईओ पे सीईओ भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे पहले हमने ना सभा पे, सभा कैफे सभा पे हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद फिर जो है ना हम लोग सीईओ जाएंगे, उसके बाद फिर जो है ना मैं इसको घर छोड़ूंगा और फिर थोड़ी देर बच्चों के पास जाना है। फिर जो भी इंशाल्लाह डे की रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। मैंने भी शावर तो नहीं हुआ दो के, अभी कपड़े जपड़े चेंज कर लिए हैं, फिर वापसी जाके जो है ना शावर लेते हैं। अभी इस टाइम हम लोग जो है ना सीवीओ पे पहुंच गए हैं। खुर्शीद साहब ये है और ये कुछ सीवीओ का मंजर है। ठीक है, ठीक हो गया। कल यहाँ पे मैकडोनल्ड के पास फूलों की एग्जीबिशन लग रही है। ये देखें इन्होंने तंबू कनात लगा दिया पीछे। किसी ने भी आना हो तो 3 दिन के लिए जो है ना ये एग्जीबिशन है फूलों की, आप आके ये एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ भाई सनिया मैडम कैसी हो, कैसा लग रहा है कराची, मजा आ रहा है? पानी की लहरें देखो ना, दिल चाहता तुम्हें इनमें ना डुबकी दे दो, हाँ जान छूट जाएगी। भाग पीछे भाग, पानी आया अर्जुन भाग 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 अर्जुन भाग। ये देख ये है समंदर की लहरें जी, चेक करो मित्रा दी टूर चेक कर। ये है हमारा जी शिवियो जी, ये देखिए माशाल्लाह, ये चीज उस्ताद जी चेक कर उस्ताद जी चेक। अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं वापसी, वहाँ चल के बैठते हैं। इधर से हमने जो है ना जो घूमना था घूम लिया है। और हाँ भाई मजा आया, सर ठीक हो गया। तो यहाँ भी हॉर्स वाले खड़े हुए हैं, अभी चलते हैं। और ऊँट की सवारी करनी है, हॉर्स की करनी है, बोल तो रहा हूँ लेकिन नहीं बोले, बोले नहीं वो, बोला है मैंने वो नहीं मान रही, फिर क्या करें यार बोला है मैंने। चलो ठीक हो गया, जो भी अच्छा ही है। टीवी पे भी चक्कर लग गया, अभी चलते हैं वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। सामने एवरेस्टर उसका भी हम लोगों ने ये है कि 10-15 दिन जो रहना है ना, अच्छा क्या 10-15 दिन जितना हमने रहना है ना, तो इसको अलग अलग जगहों का विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम अपना घर वर देखेंगे, घर का भी विज़िट करना है क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे घर भी देखना है, वो घर पसंद करना है, फिर जाएंगे अपना सामान लेके आ जाएंगे। एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब आप भी कीजिएगा। और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कराची पहुंच गए, बच्चों से भी जाके मिल के आया हूँ। दुआ की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। शादी अभी नहीं मिली है, दुआ मिली है। उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं बाबर से भी मुलाकात हुई है, मोहम्मदीम से भी मुलाकात हुई है। तो जो है ना बस अभी सीवीओ पे आए थे, सनिया को मैंने कहा जो है ना सीवीओ घुमा के आऊँ। तो इधर जो है ना मैंने इसको एक गिफ्ट भी लेके दिया है, तो वो गिफ्ट भी अपने ब्लॉग में दिखाएगी आपको। तो उसके अलावा जो है ना मुझे आज मैंने रिएक्शन देना था लेकिन मुझे रिएक्शन से रुकवा दिया गया है, और धमकियाँ दी जा रही हैं कि अब हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, अब वो करेंगे, उठवा लेंगे, पुलिस में अरेस्ट करवा लेंगे, अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारे पर केस करवा देंगे। मतलब ये है कि अगर कोई लेडीज मेरे ऊपर तनकीद करे, 1000 ब्लॉग बना ले तो कोई बात नहीं, रिएक्शन दे दे तो कोई बात नहीं, मैंने अगर 2-4 करने हैं तो वो फिर लेडीज सारी एक हो जाती हैं। और जो है ना क्या कहते हैं वो जी आप जो है ना लेडीज की इज्जत नहीं करते तो जी फलाना केस कर देंगे, फलाना केस कर देंगे। वैसे हमारे पाकिस्तान का कानून बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, सलूट है, लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं, इस चीज़ की खुशी है। लेकिन ना इंसाफी भी होती है, ये भी मैंने देख लिया। आप किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, आप औरत जो भी करे लेकिन मर्द अगर कुछ बोले तो वो गलत है, औरत सच्ची है क्योंकि वो एक औरत है ना, तो ये चीज़ गलत है। इंसाफ करना है तो बराबर करें। तो बहरहाल ये कि अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही डरूंगा, अल्लाह की ज़ात से डरने वाला हूँ, ठीक है, और रब्बुल आलमीन है, मैं सिर्फ उससे डरता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको मेरे रिएक्शन से एलर्जी है या कुछ भी है तो फेस टू फेस आके बात करना, फिर पीठ पीछे क्यों बात करते हो। बाकी मैं चाहते हो कि रिएक्शन मेरे, मैं रिएक्शन नहीं दूंगा लेकिन सनी अपने ब्लॉग में रिएक्शन देगी, ये तो वो एक औरत है ना, वो तो दे सकती है ना, और वो बोल भी सकती है। चलो फिर उसको बोलने से कौन रोकेगा, औरत पे तो औरत दे सकती है ना, आप लोग इस बात पे तो राजी हो ना, ठीक है। मुझे मेरी माँ की भी कॉल आई है कि आपने अब कोई वीडियो नहीं बनानी है। उसके अलावा एक दो और बंदों की भी बात आई है, कॉल आई है, और एक और बंदे की धमकी भी आई है कि अब जो है ना हम तुम्हें उठवा लेंगे। मैंने कहा यार मैं कराची में हूँ, सीवीओ पे बैठा हूँ, आ जाओ उठवा लो यार, कराची में रह रहा हूँ, जिसने उठवाना यार उठवा लो, टाइम से उठवा लो यार,
बहरहाल ये कि खाना खाना कोई अच्छा दिया करना, क्योंकि मैं चिकन खाता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।